हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन स्टडी में। आज अपन करने वाले हैं 14 फरवरी 2020 के करंट अफेयर। यहाँ से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी को। तो भारत में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखो, 13 फरवरी को और एक चीज़ मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में उनकी 141वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ब्रिटिश सरकार ने साल 1928 में भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें केसर एन से सम्मानित किया था। सरोजिनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को हुआ। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को। तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है, रेडियो और विविधता, इसकी जो है थीम है। रेडियो सबसे सुलभ मीडिया है, इसे विश्व के किसी भी स्थान से सुना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सही से पढ़ा लिखा नहीं है जानते हैं, वे भी रेडियो के जरिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही यह आपातकाल में संचार का अहम साधन होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीबिया ने। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? तो लीबिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीबिया। अब देखो यहाँ पर कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके युद्धग्रस्त लीबिया में दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है। ब्रिटेन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को 15 में से 14 मतों के साथ मंजूरी मिली है। रूस इस दौरान वोटिंग के गैर हाजिर रहा है। लीबिया में 12 जनवरी 2020 से संघर्ष विराम लागू है, लेकिन इसका जो है कोई प्रभाव दिखाई नहीं देने और देश में लगातार बढ़ रहे हमलों और हरपों से चलते संयुक्त राष्ट्र ने यह कदम उठाया है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाली वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपये का जो है नुकसान होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो अपना देश भारत को जो है 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना। तो ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? तो अपने देश भारत को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के संदर्भ में यह नुकसान 10.7 लाख करोड़ रुपये सालाना, जो कि देश के जीडीपी का 5.4% है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का जो नुकसान का सामना जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन को जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 900 अरब अमेरिकी डॉलर और अमेरिका को 600 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपना देश भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 कहता, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही कौन सा राज्य ऐसा करने वाला जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी बना। तो नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ जो है हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही कौन सा राज्य जो है ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो पुडुचेरी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते हुए पुडुचेरी ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के बीते साल दिसंबर में संसद से मंजूरी मिली है।
ये कानून 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत में आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों और फारसियों, बौद्धों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करता है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चीन ने किस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका ने। तो चीन ने जो है किस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है? तो अमेरिका ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहता है, यह दवा जो है नोवेल कोरोना वायरस के इलाज में मदद कर सकता है। रेमडेसिविर एक प्रायोगिक दवा है और वैश्विक स्तर पर कहीं भी इसका लाइसेंस या अनुमोदन नहीं किया गया है। इसे वर्तमान में इबोला इबोला वायरस से संक्रमण के उपचार के लिए विकसित किया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। तो देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो है तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में, जहाँ किसान विभिन्न जलवायु चुनौतियों के बावजूद कृषि कर रहे हैं। इस क्षेत्र में खेती के साथ साथ कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। किसी क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित करने से इसी क्षेत्र की ऐसी गतिविधियों तथा परियोजनाओं से सुरक्षा मिलती है जो किसानों के लिए शोषणकारी होती है। पढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश के 94 को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जो है किस देश के 94 को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो जापान के, और इसका उम्र लगभग 112 वर्ष जी चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जापान के 94 दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं। इनकी उम्र जो है 12 फरवरी 2020 को 112 साल 344 दिन है। चेतेसु का जन्म जो है जापान के नगीता में 5 मार्च 1907 को हुआ था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में उन्हें सर्टिफिकेट दिया। फिलहाल जापान के केन तनाका दुनिया की सबसे बड़ी उम्रदराज जीवित महिला है, जिसकी उम्र जो है वो कितने है, 117 साल। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक को। तो निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदाय परिवार तलवार सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है? तो कर्नाटक को। बात हो रही है कर्नाटक की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लोकसभा ने 12 फरवरी 2020 को कर्नाटक के 3 आदिवासी समुदाय परिवार तलवार सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया। कर्नाटक में इन समुदायों के लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन जनजातियों को अब समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। तो विश्व के जो है सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा? तो गुजरात में। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कहता है, भारत में गुजरात स्थित मोटेरा वन में बन रहा है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम दर्शकों की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अभी तक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है,
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 से 28 फरवरी को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ट्रंप यहाँ कैम्पचो ट्रंप प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे और मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। तो कौन सा स्टेडियम? तो मोटेरा स्टेडियम। आई होप आप लोग को आज का करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।